झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक करने की घोषणा की है, लेकिन सत्ता के मद में चूर महागठबंधन के नेता अपनी ही सरकार के आदेश को धत्ता बताते हुए नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं, जो राज्य में श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से लाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना नहीं भूल रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता रांची चतरा लॉकडाउन में एक किए हुए हैं। मंत्री जी को जब अपना जन्मदिन मनाना था तो वो चले गए रांची से चतरा और वहां पर अपने समर्थकों के साथ अपने बर्थडे में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। झारखंड संकट में है और मंत्री जी जमकर कर रहे हैं मौज मस्ती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दल के विधायक भला पीछे क्यों रहे? कांग्रेस के बरही के विधायक उमा शंकर अकेला भी लॉकडाउन में ही जमकर उत्पात मचा रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर विधायक महोदय अधिकारी के साथ मारपीट करने का भी प्रयास करते हैं। विधायक उमा शंकर अकेला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशों को भी ठेंगे पर रखते हैं। विधायक बरही में ही चेकनाका को तोड़ते हैं और अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं, और अधिकारियों की ओर से जब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की बात कही जाती है तो उनको सत्ता की धौंस भी दिखाते हैं। उमा शंकर अकेला सरकारी कामकाज में बाधा डालने और अधिकारियों से मारपीट करने की उनकी पुरानी आदत रही है। आप भी देखिए विधायक किस तरह से सत्ता का धौंस लॉकडाउन में दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुरिया पथल गड्ढा जा रहा था अपने क्षेत्र में, वहाँ हमारे पास लगभग 10-15 फुट थे। यहाँ उसके साथ मैं जा रहा हूँ अपने क्षेत्र का, वहाँ राशन कार्ड में गड़बड़ी हो रही थी, उसको बटवाने के लिए मैं जा रहा था। यहाँ रुका तो हमने कहा कि मैं विधायक हूँ, वो जो वहाँ रोके मुझे वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। हमने कहा कि मास्क क्यों नहीं लगाए हो, तो एंट्री करेंगे हम, कर लो एंट्री। ऐसे में आप जा रहे हैं 3 आदमी के साथ, इसीलिए हमारा गाड़ी रोक दिया उन्होंने, और वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। चेक पोस्ट रोक दिया गया यहाँ पर गाड़ी को। हाँ, क्या बोलें कि नहीं जाने मिलेगा? नहीं। तो क्या अभी क्या करना है? अभी अब तो ऑफिसर बुलाए हैं, कहाँ है, कौन है, आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो मुड़िया जाना है पथलगड्ढा। अच्छा, लेकिन बुलाया गया है ना। भाजपा के नेता इसे लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और राज्य सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपना बर्थडे मना रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस के विधायक अकेला जी अधिकारियों को हलका रहे हैं। आखिर हेमंत सरकार में इस तरीके से ये लॉकडाउन का जो उल्लंघन हो रहा है, जो लगातार वायलेशन हो रहा है, इस पर हेमंत सोरेन जी क्या कहेंगे? आखिर इस राज्य में हेमंत सोरेन जी सरकार चला रहे हैं या फिर लोगों को खुली छूट है, उनके सत्ता पक्ष के लोगों का, कि वो जो मन करे वो अपना, उनके लिए सब सही है, और अगर वही विपक्ष के लोग कहीं आना जाना भी चाहे तो उसके लिए भी पास उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री महोदय, आप तो झारखंड की जनता के हित में लॉकडाउन जारी रखने की बात करते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार में शामिल विधायक सत्ता की धौंस दिखाकर किस तरह से लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं, इस पर आपकी चुप्पी जनता के बीच गलत संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री जी, अपने बेलगाम विधायक और मंत्रियों को काबू में कीजिए, नहीं तो यही समझा जाएगा कि सत्ता के बल पर कोई कुछ भी कर सकता है।
मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4